ठीक है बच्चों, ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ बच्चों, स्टार्ट करें अपन। स्टार्ट करें फिजिक्स वाले सर ने थोड़ा ब्रेक आपका पूरा ले लिया, उसके बाद छोड़ा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम पर क्वेश्चन कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और मैंने बिगनर बॉक्स 4 दिया था करने को आपको, जिसमें कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन था पूरा। क्या बोल रहे हो बेटा? देखो मैंने पिछली क्लास, ठीक है, तो आप लोग बात कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एच एम चल रहा था हमारा, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे। यदि ए बी सी धनात्मक है तथा 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 5, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 का, तथा ऐसा लिख देता हूं, तथा ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 का न्यूनतम मान फोर टू दी पावर लैम्डा, 5 टू दी पावर म्यू, 3 टू दी पावर थीटा है, जहां लैम्डा म्यू थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो म्यू माइनस थीटा माइनस 2 म्यू प्लस 5 लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो जो एक्सप्रेशन दिया है हमें, उससे आप अधिकतम मान निकालें, फिर कंपेयर कर देंगे तो लैम्डा म्यू थीटा मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 का अधिकतम मान चाहिए, ठीक है, ए बी सी धनात्मक है। तो देखो एक एक पावर 2, तो अपने को जो गिवन है 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 5, तो हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो 4a को दो पार्ट में ब्रेक कर लें तो 2a और 2a हो गया, ठीक है। हाँ, या 4a बाय 2 दो बार लिख लें, एक ही बात है। अब 3b, b को भी तीन पार्ट में, तो b, और c 4 है, c की पावर 4 है, और यहाँ 2c है, तो 2c बाय 4, मतलब c बाय 2। क्या ये समझ में आया कि सबको? a b c पॉजिटिव हैं, तो ये सब, ये सारे नंबर भी पॉजिटिव होंगे। समझ में आएगा ब्रेकिंग? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स हो गए,
है ना, तो इनका ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जी एम। लिखो 2a प्लस 2a प्लस b प्लस b प्लस b प्लस c बाई टू प्लस c बाई टू प्लस c बाई टू प्लस c बाई टू, कितने नंबर है, 9। तो 9 नंबर का अरिथमेटिक मीन इन 9 नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है 2a 2a b b b c बाई टू c बाई टू c बाई टू c बाई टू, राइट। तो ये हो गया देखो 4a प्लस 3b प्लस 2c अपॉन 9, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ए स्क्वायर बी क्यूब सी फोर, टू स्क्वायर पावर 1/9, तो 4a प्लस 3b प्लस 2c 5/9 की पावर 1/9, a स्क्वायर b क्यूब c 4 अपॉन 2 स्क्वायर, समझ में आया। पावर 9, यहाँ तो 9 आएगा, ओके। तो 5 टू दी पावर 9, ये 9 टू दी पावर 9 को लिख सकते हैं 3, 9 को 3 स्क्वायर 18, ये 2 का स्क्वायर इंटू किया 4, 4 into, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, a square b cube c 4 is less than or equal to 4 into 5 to the power 9 upon 3 to the power 18, compare कर लो जरा। तो lambda 4 की power lambda मतलब 1, mu 5 9 और theta 18, समझ में आया बच्चों। तो theta minus 2 mu plus 5 lambda का मान निकालना था, तो theta कितना 18, 2 mu 2 9 18 5 λ answer will be 5। क्या सबको समझ में आया क्या कंसेप्ट? फोर इंटू फाइव की पावर 9 कैसे आया भैया? ये 2 का स्क्वायर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने। सेकेंड स्टेप कौन सी? ये सेकेंड स्टेप, हाँ। तो देखो ए स्क्वायर लाना है, आपके पास 4a है, तो 4a को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 2a और 2a, फिर b क्यूब है, b कितना 3b, तो b b b 3b, फिर 2c को से c 4 लाना है, तो चार पार्ट में ब्रेक कर लो, तो 2c by 4 2c by 4 2c by 4 2c by 4 मतलब c by 2 c by 2 c by 2 c by 2, समझ में आया क्या सभी को? हाँ, ये समझ में आया कि 4 इंटू 5 की पावर 9 कैसे आया? ये 4 का इंटू कर दिया क्रॉस मल्टीपल, समझ में आया कि बच्चों सभी को? ठीक है रक्षा, आपको आ गया बेटा समझ में? ठीक है, तो नोट कर लो, है ना। तो कल काफी क्वेश्चन हम एम जी एम एच एम पर कर चुके थे, समांतरवाद गुणोत्तरवाद हरात्मक माध्य के गुणों पर। ये और क्वेश्चन किया प्रैक्टिस के लिए, मैंने बिगनर बॉक्स 4 दिया था करने के लिए, आप लोगों ने किया? सॉल्यूशन भी सेंड कर दिए थे, हो गया सभी काम कंप्लीट। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट पर आए, 5/9 कैसे? सर निधि आपको 5/9 क्यों नहीं दिख पा रहा है? ये 5 है ना, इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में बेटा, 4a प्लस 3b प्लस 2c की वैल्यू 5 गिवन है क्वेश्चन में, अपॉन में 9 है ही, 4a प्लस 2b ये 5/9 है, नहीं आया। चलो मैं इसके पहले एक स्टेप और लिख रहा हूँ, इसके बाद 5/9 ग्रेटर देन और इक्वल अपॉन 4, अब तो हो जाएगा बेटा, अब दोनों दोनों साइड की पावर 9 किया,
दोनों पक्षों की घात 9 लेने पर, तो 5/9 की पावर 9। निधि अब हो गया क्लियर? ठीक है, थोड़ा एक स्टेप मैंने गायब कर दी थी पर उसको लिख दी फिर फाइनली। ठीक है बच्चों, ये वाली स्टेप नहीं लिखी थी, चलो अब लिख दी। हो गया सभी का? ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो ये एडवांस में आ चुका है। यदि ए धनात्मक है तो संख्याओं a-5, a-4, 3a-3, 1a⁸, a⁻¹ के योग का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या? और वो न्यूनतम मान इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, वन डिजिट में आंसर आना चाहिए 0 to 9। हाँ, तो संख्याएं ध्यान से देखें आप, a⁻¹ है, एक a⁻¹ है, एक 3a⁻³ है। अब देखो, न्यूनतम मान अगर पूछा है तो इसका मतलब समान, जैसे कि अगर देखो समांतर माध्य ग्रेटर देन और इक्वल टू गुणोत्तर माध्य, तो a का न्यूनतम मान g है। ये हमें a का रेंज क्या आ गया, g to ∞, और g का रेंज क्या आ गया, -∞ to a। तो g का अधिकतम मान ये है। ये बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? तो ये इक्वेलिटी होल्ड हो रही है, मतलब संख्याएं इक्वल हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। तो जिन संख्याओं का हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं वो किसी न किसी मान पर बराबर जरूर होंगे। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे अपन ये लिखते हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, इसका मतलब a की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, g से लेके इनफाइनाइट तक। अरे भाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखते हो तो x का मतलब क्या होता है, 2 to ∞। तो a का न्यूनतम मान g है। अब a का न्यूनतम मान अगर g है तो कहने का मतलब, हमने बोला था कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर कब होते हैं, जब जिन संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की बात कर रहे हैं वो संख्याएं आपस में बराबर हो। तो कहीं ना कहीं एबीसी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें a के किसी ना किसी मान के लिए जितनी भी संख्याएं हैं सब बराबर हो रही होंगी, तभी तो न्यूनतम मान बोल पाएंगे हम उसको। अगर जैसे मान लो ये लिखा है केवल, अब मैं a का इंटरवल क्या लिखूंगा, ओपन इंटरवल g to ∞, तो अब मैं a का न्यूनतम मान g नहीं बोल सकता ना, g तो शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल। समझ में आया ना, इक्वलिटी नहीं लगी ना इसमें, a ग्रेटर देन g लिखा है क्या। बात समझ में आई क्या, a ग्रेटर देन g लिखा है, अगर इक्वल भी लगा होगा तो होगा a का न्यूनतम मान g। ये बात समझ में आई क्या सबको? ठीक है, तो हमें दिमाग लगाएं कि नंबर क्यों कैसे लिखे हम। तो देखो, ये एक नंबर इनमें से a है, एक नंबर 1 है, और तो बाकी जैसे a⁻¹ 1 कब होगा, जब a को 1 लोगे, a⁻¹ 1 कब होगा, जब a को 1 लोगे, a⁻¹ तो 1-1 पे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब सबको 1 लेना है,
है ना, वन पे ही न्यूनतम मान मिलेगा। चलो छोड़ते हैं, अपन दूसरे तरीके से सोचते हैं। ये संख्याएं देखो, इसको मैं ब्रेक करके लिख लूं तीन पार्ट में, तब कितनी संख्याएं होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होगा, धनात्मक है क्योंकि 8। तो a माइनस 5 प्लस a माइनस 4 प्लस a माइनस 3 प्लस a माइनस 3 प्लस a माइनस 3 प्लस 1 प्लस a 8 प्लस a टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 8। हाँ, गुणोत्तर माध्य पावर 1 बाय 8 गुणा कर लो, a माइनस 5 a माइनस 4 a माइनस 3 a माइनस 3 a माइनस 3 1 a की पावर 8 a की पावर 10। तो a की पावर माइनस 5 प्लस a टू द पावर माइनस 4 3 a माइनस 3 प्लस 1 प्लस a 8 प्लस a 10 अपॉन 8। हाँ देखें, a की पावर ऐड कर लो, माइनस 5 4 9 9 और 6 15 9 और 3 18 a की पावर माइनस 18 a की पावर प्लस 18 तो ए की पावर 0 1 आ गया। वन की पावर का आठवां मूल भी बना जाएगा, तो 8 का गुणा हुआ क्रॉस मल्टी, तो ये योग का न्यूनतम मान क्या आ गया, 8। तो हम ये जो योग लिखा है ना, योग जिसका योग निकालना है, उसमें अगर एक ही जगह 1 रख दो तो भी 8 आ जाएगा और वही न्यूनतम होगा, क्योंकि ए बराबर 1 पर सारी संख्याएं बराबर हो रही है। समझ में आया कि सभी को कैसे किया? समझ में आया सभी को? आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ स्टेप कौन सी निधि, 1, 2, 3, 4, 4 में तो कुछ किया ही नहीं ना, कॉपी किया, ये तीनों को ऐड कर दिया, 1, 8, 8। अच्छा आप यही स्टेप बोल रहे हो, इन 8 संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होता है, ये कंसेप्ट लगाया, कौन सी, ये वाली स्टेप। अरे तो ये मल्टी पावर ऐड होगी ना, जब आप घातें जुड़ेंगी ना, तो एक ही घात माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 18 हो गया, ये 10 और 8 18, 10 और 8 18, ये ठीक है निधि, ओके। चलिए हो गया, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आए। ठीक है बच्चों, चलिए चलो, अब है समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। हाँ, इसको समझें कि समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी किसको बोल रहे हैं, प्रोग्रेशन बोल रहे हैं ना, एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों का गुणा करने पर प्राप्त श्रेणी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी
संगत पदों का गुणा करने से पर प्राप्त श्रेणी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7 ये एक समांतर श्रेणी एपी है। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर ये जीपी है, गुणा करते संगत पदों का तो 1 × x, 3 × x², 5 × x³, 7 × x⁴ ये जो बनेगी वो क्या होगी एजीपी। 1 × x, 3 × x² 5 × x³, 7 × x⁴ ये किसका एग्जांपल है एजीपी का। समझ में आया कि एजीपी का ये एग्जांपल समझ में आया। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं एजीपी के। 1, 2, 3, 4 ये एपी है और 1, 2, 2² 2³ ये जीपी है, दोनों को इंटू कर दिया 1 × 1 = 1, 2 × 2, 3 × 2² 3 × 4 × 2³ ये क्या कहलाएगी ए जी पी। बात समझ में आ गई क्या सभी को? तो व्यापक एजीपी, सामान्य एजीपी, जनरल एजीपी लिखें, व्यापक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए ले लिया, ठीक है, और तो सारवांतर डी ले लिया तो a+d a+2d है ना। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो ए ले नहीं सकते, वो तो समांतर श्रेणी का ले लिया, समांतर गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सी ले लो और सार्वानुपात आर ले लो। समझ में आया कि सभी को एजीपी समझ में आई क्या है जनरल एजीपी? तो जहां ए, जहां ए क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सी क्या है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और डी सार्वांतर, किसका सार्वांतर होता है समांतर श्रेणी का, और जी सार्वानुपात गुणोत्तर श्रेणी। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या यहां तक? सार्वानुपात लिखा हुआ है, इधर लिख दूं आर क्या है सार्वानुपात गुणोत्तर श्रेणी का। तो एजीपी सभी को समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो अब हमें एजीपी के एन पदों का योग निकालना है। एक समांतरी गुणोत्तर श्रेणी दी है, उसके एन पदों का योग निकालना है और उसके अनंत पदों का योग निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे समांतरीय गुणोत्तर समांतरीय
गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग। समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग है ना। तो अगर हम समांतरी गुणोत्तर श्रेणी लिख दूं मैं, ए सी प्लस ए प्लस डी इंटू सी आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू सी आर स्क्वायर है ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एनवा पद, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू सी आर टू द पावर एन माइनस वन है ना, यही होता है गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद। ए ए की जगह है यहाँ पर सी, प्रथम पद ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये समझ में आया क्या? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एनवा पद, SN से दर्शाया योग को। अब हमें ये कैलकुलेट करना है SN क्या आएगा। तो देखें, कोई जो फॉर्मूला निकलेगा उसको प्रूव करके हम फॉर्मूले को डायरेक्ट लर्न नहीं करेंगे, जिस प्रोसेस से ये फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं उसी प्रोसेस से हर क्वेश्चन को कर लेंगे है ना। तो हम प्रोसेस ये है कि जो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात है आर, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात आर का इस समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात कंसेप्ट है कि हम क्या करते हैं समांतरी गुणोत्तर श्रेणी में, प्रोसेस क्या है, एस एन से डिनोट कर देते हैं श्रेणी को, और गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात जो कि R है उसका दोनों पक्षों में गुणा कर देते, तो R पूरे समीकरण में। अब R का गुणा किया AC में पहले पद में, तो ACR इधर लिख दिया, हाँ, फिर दूसरा पद A प्लस डी सी आर, इसमें R का गुणा किया तो उसको इसके नीचे लिख दिया A प्लस डी सी आर स्क्वायर, इस तरह एक एक पद आगे बढ़ के चल रहा है। इसमें R का गुणा किया इसमें, तो क्या आ जाएगा, A प्लस एन माइनस वन डी इंटू सी आर एन, ये समझ में आया क्या, आर का गुणा किया आखिरी पद में, तो आर की पावर एन माइनस वन में आर का गुणा होगा तो पावर एड हो जाएगी, आर की पावर एन माइनस वन प्लस वन आर की पावर एन। अब इसके जस्ट पहले कौन सा पद आएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी सी आर टू दी पावर एन माइनस टू, उसमें आर का गुणा होगा तो ये बचेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या किया मैंने, हर पद में R का गुणा करके समीकरण एक ऐसे जिसको समांतरी गुणोत्तर श्रेणी बोल रहे हैं उसके प्रत्येक पद में R का गुणा कर दिया और एक एक पद आगे बढ़ा के लिख दिया, मतलब सेम टर्म के नीचे से उसके नीचे समान सजातीय पद नीचे लिखा जिससे कि हम घटा पाए। क्या ये सबको समझ में आया क्या किया, AC में R का गुणा किया आगे लिखा हर पद में है ना, तो जो एनवा पद है उसके जस्ट पहले जो पद आएगा उसमें भी आर का गुणा करके लिख दिया। अब घटाएं, घटाते हैं तो वन माइनस आर, एस एन कॉमन ले लिया या ए सी प्लस, हाँ ध्यान से देखेंगे ए का सी आर में गुणा करेंगे, ए सी आर से ए सी आर कैंसिल तो क्या बचेगा डी सी आर, प्लस सी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, तो ए से ए कैंसिल, टू डी में से डी गया डी, डी सी आर क्यूब आखिरी पद, ए से ए कैंसिल, हाँ ए इंटू सी आर एन माइनस वन से नीचे वाला ए सी आर एन माइनस वन कैंसिल, तो बचा क्या फिर सी है, दूसरे पद में से देखें एन माइनस वन डी माइनस एन माइनस टू डी, तो मैं लिख देता हूं एन माइनस वन डी माइनस एन माइनस टू डी, तो डी कॉमन ले लोगे तो एन माइनस वन माइनस एन प्लस टू, एन से एन कैंसिल टू, वो डी बचेगा केवल, तो क्या आ जाएगा ये डी सी टू दी पावर सी डी सी आर टू दी पावर एन माइनस वन, आखिरी पद ये ऐसा कैसे ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू सी आर टू दी पावर, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, वन माइनस आर एस एन
इक्वल टू ए सी प्लस डी सी आर, सब में से कॉमन ले लें या डी सी कॉमन ले लेते हैं, चलो आर रहने देते हैं, आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, थर्ड स्टेप बेटा सब्ट्रैक्ट किया है, आप करो सब्ट्रैक्ट, एसी का एसी लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म एसी की एसी एसी लिख दी, वैसी की वैसी लिख दिए एसी था, है ना। अब सेकंड टर्म में देखो बेटा ए इनटू करो तो ये ए सी आर प्लस डी सी आर में से ए सी आर सब्ट्रैक्ट होगा तो डी सी आर बचेगा, ऐसा हर टर्म में लिखते गए। समझ में आया क्या? सब्ट्रैक्ट आप करके देखो। निधि क्या समझ में नहीं आया? थर्ड टर्म में क्या समझ में नहीं आया? सब्ट्रैक्ट घटाया जब मैंने तो पहला पद आया Sn, Sn माइनस आर Sn, तो Sn कॉमन ले लिया वन माइनस आर, ये ए सी ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, ए सी आर प्लस डी सी आर में से ए सी आर सब्ट्रैक्ट किया तो डी सी आर बचा, ए सी आर स्क्वायर प्लस टू डी सी आर स्क्वायर में से ए सी आर स्क्वायर प्लस डी सी आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, फिर ये थर्ड टर्म मन से लिख दी ये पैटर्न देख के, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, ये आखिरी पद ऐसा का ऐसे ही लिखा। ठीक है, चलिए अब वन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए सी प्लस डी सी, हाँ ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, देखो कितने पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, एन माइनस वन, क्योंकि आर की पावर वन से चालू हो रहा है एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तो फॉर्मूला क्या होता है, ए ए मतलब प्रथम पद यहाँ आर है, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी सी आर एन। अब देखो यहाँ वन माइनस आर एन से भाग, वन माइनस आर से भाग देना है ए सी अपॉन वन माइनस आर, तो डी सी आर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर से माइनस कॉमन आया तो ऐसा हो गया, नीचे से भी माइनस कॉमन आएगा तो वन माइनस आर हो जाएगा, तो वन माइनस आर पहले से है और वन माइनस आर से भाग दिया वन माइनस आर प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी सी आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। समझ में आया क्या सभी को ये क्या किया हमने? तो ये एन पदों का गुणोत्तर श्रेणी के समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग आ गया, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सार्वानुपात एक ना हो। तो हम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम तो इसी प्रोसेस से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या समझ में आया कि सबको? ठीक है, अब समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, हाँ तो कुछ नहीं करना है, कब विद्यमान होगा? जब आर का मान माइनस एक और प्लस एक के बीच में हो तभी विद्यमान होगा। समझ में आया क्या? जैसा कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग कब विद्यमान होता है इस कंडीशन में, तो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी में भी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें में सार्वानुपात का मान माइनस और एक और प्लस एक के बीच में होना चाहिए, आर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तभी विद्यमान होगा। ठीक है, तो ए सी अपॉन वन माइनस आर, ध्यान से देखेंगे तो इनफिनिटी एन की जगह इनफिनिटी, और आर मैंने माइनस वन और प्लस वन के बीच में ले लिया, अगर आर माइनस वन और प्लस वन के बीच में है तो उसकी पावर एन और लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी जीरो होगा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग में भी हम ये चीज देख चुके हैं कि जब एन का मान इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा आर की पावर एन की वैल्यू जीरो होगी अगर आर माइनस एक और प्लस एक के बीच में। तो देखो फॉर्मूला देखें, ये जीरो हो जाएगा, इसकी कॉपी कर रहे हैं एस एन का फॉर्मूला, ये आर की पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो,
तो क्या बचेगा, डी सी आर वन माइनस जीरो, वन ही होता वन माइनस आर होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन वैलिड कब है, जब आर का मान, और आगे वाला पद भी आर की पावर एन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरी टर्म। क्या फॉर्मूला समझ में आया क्या? फॉर्मूला तो इतना ही है यहां तक है, वो तो कंडीशन दी हुई है, तो मैं कंडीशन को इधर लिख देता हूं थोड़ा। कब वैलिड है ये फॉर्मूला, जब आर का मान माइनस एक और प्लस एक के बीच में हो और जीरो ना हो। ये आर माइनस एक और प्लस एक के बीच में होता है जब, तो उसकी पावर इन्फिनिटी जीरो होता है। ये समझ में आया क्या, अनंत पदों के योग का सूत्र ए सी अपॉन वन माइनस आर, समांतरिक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग का सूत्र एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए सी अपॉन वन माइनस आर प्लस टी सी आर अपॉन वन माइनस आर होल स्क्वायर। हाँ, अनंत पदों के योग का फॉर्मूला तो फिर भी याद रख सकते हैं, n पदों के योग का तो याद रखना बहुत टफ है, तो हमें दोनों ही फॉर्मूले याद रखने की कोई बहुत जरूरत, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन आएगा तो प्रोसेस से आंसर निकाल लेंगे, अभी हम कर रहे हैं दो तीन क्वेश्चन, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लिया क्या सबने? हो गया सभी का, तो करें क्वेश्चन, लिखेंगे। श्रेणी वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, तो कौन सी श्रेणी है देख रहे हो, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है मुझे, तो वन टू थ्री फोर समांतर श्रेणी है, और वन वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब गुणोत्तर श्रेणी है। तो एन पदों का योग, कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं है अपन, तो ऐसा कैसे लिख लो, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जैसा मेथड था फोर एक्स क्यूब। हाँ, एनवा पद बोल दो आप, वन टू थ्री फोर एपी इस समांतर श्रेणी का एनवा पद एक्स, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद एक्स टू द पावर एन माइनस। हाँ, एनवा पद कैसे लिखा, सबको समझ में आया क्या, वन टू थ्री फोर ये एपी थी तो इसका एनवा पद एन आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी लगाएंगे तो, और वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये जीपी थी, ए आर टू द पावर एन माइनस वन लगाएंगे तो वो एक्स रेज टू एन माइनस वन आएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात कितना है, गुणोत्तर श्रेणी ये है इसमें, तो सार्वानुपात क्या होगा, x सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो किसका गुणा करना है, x का, बिल्कुल x का गुणा करो, x इंटू एस एन, वन में x का इंटू किया आगे लिखा, टू एक्स में x का इंटू किया आगे लिखा, थ्री एक्स में x का इंटू किया आगे लिखा, इसमें x का इंटू किया आगे लिखेंगे, इसके जस्ट पहले वाले पद में x का इंटू करेंगे, तो वो अब जस्ट पहले वाला पद था ये, इसमें x का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन एक्स टू दी पर n माइनस टू प्लस वन एन माइनस, सब्ट्रैक्ट करें, वन माइनस एस एन कॉमन ले लें, वन टू एक्स माइनस एक्स एक्स, थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर, वन एक्स क्यूब, ऐसे ये सेकंड लास्ट टर्म में आए, एन माइनस एन कैंसिल हो गया, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हाँ देखो कितने पद हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गुणोत्तर श्रेणी एन पद है पहले, क्योंकि वन भी इसमें शामिल कर लिया हमने, तो गुणोत्तर श्रेणी है वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, जो इसके एन पदों का योग, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना, तो मैंने माइनस कॉमन लिया,
माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ तो वन माइनस एक्स बचा, ये वन माइनस एक्स नीचे आएगा। समझ में आया कि आंसर कैसे निकाला हमने, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। अच्छा समझ में आया सभी को कैसे निकाला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, हो गया ये सभी का कंप्लीट। चलिए थोड़ा एंड करने के पहले ही बता दिया करो ना। हाँ लास्ट स्टेप आपको समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हो? ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो वन माइनस एक्स ये जो एस एन के साथ इंटू में उससे डिवाइड किया दोनों पक्षों, उससे भाग दिया। ठीक है हो गया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू टू क्यूब प्लस फोर इंटू टू फोर प्लस एंड सो ऑन के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है, एसएन से दर्शाएंगे। वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू टू क्यूब प्लस फोर इंटू टू फोर। चलिए एन वापस बताइए, एन इंटू टू टू दी पावर एन। समझ में आएगा वन टू थ्री फोर एपी है, तो एन वापस एन आएगा टू रेज टू वन, टू रेज टू स्क्वेयर, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ये जीपी है, तो एन वापस आएगा टू की पावर एन। ठीक है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी जो इसमें है उसका सार्वानुपात बताइए। गुणोत्तर श्रेणी है टू टू स्क्वायर टू क्यूब टू टू दी पावर एन, उसका सार्वानुपात होगा टू। ठीक है, तो टू का इंटू कर लो टू एस एन। हाँ इसमें टू का इंटू किया वन इंटू टू में, तो वन इंटू टू स्क्वायर। इसमें टू का इंटू किया तो टू इंटू टू क्यूब। इसमें टू का इंटू किया तो थ्री इंटू टू की पावर फोर। इसमें टू का इंटू किया तो एन इंटू टू की पावर एन प्लस वन। इसके जस्ट पहले वाले पद में टू का इंटू करेंगे, पहले वाला पद होगा एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस वन, उसमें टू का इंटू। समझ में आया कि सबको सब्ट्रैक्ट कर लो। कर लें घटा लें दोनों समीकरणों को। ठीक है, माइनस एस एन, एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन इंटू टू टू। हाँ यहाँ देखें टू इंटू टू स्क्वेयर माइनस वन इंटू वन स्क्वेयर, टू इंटू टू स्क्वेयर माइनस वन इंटू टू स्क्वेयर, तो टू स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो क्या बचा टू माइनस वन, टू माइनस वन वन इंटू टू स्क्वेयर, थ्री माइनस वन इंटू टू क्यूब, वन इंटू टू की पावर फोर, वन इंटू टू की पावर एन माइनस एन इंटू टू टू दी पावर एन प्लस वन।
ठीक है, समझ में आया सभी को यहां तक? यस सर। तो माइनस एस एन इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक जीपी दिख रही जीपी ये, तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए है टू और अर्धसार्वानुपात भी है टू। फॉर्मूला समझ में आया? एस एन गुणोत्तर श्रेणी ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, लगा दिया ए की जगह टू रख दिया, आर की जगह भी टू रख दिया, माइनस एन इंटू टू टू दी पावर एन प्लस वन, माइनस एस एन ये कितना हो गया टू माइनस वन वन हो गया, तो टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू माइनस एन इंटू टू टू दी पावर एन प्लस वन, एस एन इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस टू प्लस इन दोनों में से टू टू दी पावर एन प्लस वन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एन माइनस वन। समझ में आया क्या सभी को? हो गया। लास्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम है भाई निधि, सॉरी निधि, ये टू लिखा, इन दोनों में से जिन पे मार्क कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से टू टू दी पावर एन प्लस वन कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो बचा एन, ये कॉमन ले लिया तो बचा माइनस वन। ठीक है बेटा निधि, समझ में आया क्या? ओके ठीक है, तो समझ में आया कि एन पदों का योग समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग कैसे निकालना और सॉल्व कैसे होगा, बस छोड़ दिया यहीं पर, और सॉल्व थोड़ी हो सकता है, एन में ही आएगा ना आंसर, एन पदों का योग है। ठीक है ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्रेणी वन बाय थ्री प्लस थ्री बाय नाइन प्लस फाइव बाय ट्वेंटी सेवन प्लस सेवन बाय एट्टी वन के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी को ध्यान से देखें, श्रेणी को ध्यान से देखें, वन इंटू वन बाई थ्री ऐसा लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन बाय नाइन प्लस फाइव इंटू वन बाय ट्वेंटी सेवन प्लस सेवन इंटू वन बाय एट्टी वन, वन थ्री फाइव सेवन समांतर श्रेणी है, वन बाय थ्री, वन बाय नाइन, वन बाय ट्वेंटी सेवन, वन बाय एट्टी वन, ये गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी होगी, तो अनंत पदों का योग निकालना दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रोसीजर से कर सकते हैं पूरा जैसा भी था इसमें, और आसान है कि एनवा पद भी नहीं लिखना पड़ेगा, एस से दर्शाया इसको एस इन्फिनिटी से ही दर्शा लो सीधा, अनंत पदों का योग निकालना एस इन्फिनिटी से दर्शाया, वन इंटू वन बाय थ्री प्लस थ्री इंटू वन बाय नाइन प्लस फाइव इंटू वन बाय ट्वेंटी सेवन प्लस सेवन इंटू वन बाय एट्टी वन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी जो है इसमें उसका सार्वानुपात क्या है? हाँ उदय आंसर सही बताया,
जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका सार्वानुपात है 1/3, है ना, 1/3, 1/9, तो 1/3 का इंटू कर दिया, 1/3 का पहले पद में गुणा किया तो आया 1 × 1/3 स्क्वायर, 1/9, फिर 3 × 1/27, 5 × 1/81, सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 − 1/3 एस कितना आ जाएगा, तो एस इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, 1 − 1/3 इक्वल टू, तो वन इंटू 1/3 1/3, 3 − 1 तो 2/9, है ना, 1/9 कॉमन ले लिया, 5 − 2/27, 2/81, 3 − 1 2/3 एस इन्फिनिट, तो 1/3 प्लस 2/9 कॉमन ले लो, ठीक है, एस इन्फिनिटी 1/3, हाँ 2/9, ये गुणोत्तर श्रेणी, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, तो अनंत पदों का योग होता है a/(1 − r), है ना, यहाँ इन्फाइनिट तक गए, ऐसा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, n नहीं लिखा तो अनंत तक, तो 2/3 एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/3 प्लस 2/9 इंटू, हाँ ये 3 एलसीएम ऊपर गया, 3 − 1 = 2, तो ये हो गया 1/3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 9 से 3 कैंसिल, 2/3, हाँ तो एस इन्फिनिटी 2/3 / 2/3 कितना आ गया 1, समझ में आया क्या सभी को, अब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तब भी आंसर आ जाता, तो एक पहला तरीका सभी को समझ में आया कि कैसे किया मेथड से, है ना, तो नोट करें, फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा उसकी, हो गया सभी का, हाँ देखिए ये इसके अनंत पदों का योग निकालना है, ये समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद 1 है, और जिसमें समांतर श्रेणी जो 1/3/5/7 उसका प्रथम पद 1 है, d2 है, सार्वांतर 2 है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1/3 है और सार्वानुपात भी 1/3 है, हाँ तो एस इन्फिनिटी अनंत समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, सूत्र है ac/(1 − r) प्लस dcr/(1 − r)2, a × c (1 × 1/3) / (1 − r) प्लस dcr (dcr)/(1 − 1/3)2, तो 1/3/(2/3) 2/9, 3 − 1, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, 2/4, 1/2, 1, समझ में आया क्या कैसे किया, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर कंफर्म में एजीपी है तो, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसमें, नयन ac/(1 − r) प्लस dcr/(1 − r) होल स्क्वायर, हो गया, सभी का हो गया, हाँ तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे उसको, नोट कर लिया सभी ने, ये श्रेणी 1 + 3/4 प्लस 7/16 प्लस 15/64 के
अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, करो। करेंगे नहीं, इस लास्ट में 15/64 सभी लोग ट्राई करें। नयन आंसर सही नहीं है, अनंतराम ये भी आंसर सही नहीं है बेटा। देखो इसमें फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है ही नहीं। सोच के देखो, है ना, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है ही नहीं। देखो आप ध्यान से, 1+3×1/4, 7×1/16, गुणोत्तर श्रेणी तो है इसमें, लेकिन समांतर श्रेणी कहाँ है बताओ। 1 × 1 लिख लो तो 1 × 1/4, 1/16, 1/64 ये जीपी तो है, पर एपी कहाँ है इसमें? 1, 3, 7 और 15 ये कहाँ एपी है बताओ। अब किसी को दिख रही है एपी है? मुझे तो नहीं दिख रही एपी में। 3 − 1 = 2, 7 − 3 डिफरेंस सेम कहाँ है? ठीक है, एपी नहीं है, इसलिए फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, वो फॉर्मूला तो एजीपी का ही है। तो अब फिर क्या करें, फिर प्रोसेस से कुछ कर सकते हैं, क्या करें? इसमें अनंत एपी नहीं है पर जीपी तो है ही है एक, तो इसमें हम क्या करें, वही प्रोसेस वही अप्लाई कर दें, हो सकता है आंसर उससे कुछ फाइनलाइज हो जाए। तो हम क्या करें इसमें, है ना, ये हम बोले 1, 3, 7, 15 नॉट एपी, है ना। तो हम क्या करें, कॉमन रेशियो जो जीपी का सार्वानुपात है 1/4, उसका दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो 1 × 1, 1 × 1/4, हाँ फिर 3 × 1/4 का स्क्वायर 16, 7 × 1/64। क्या ये समझ में आया कि मैंने 1/4 का इंटू कर लिया हर एक पद में और एक एक पद आगे बढ़ा के लिख दिया? समझ में आया? तो एस इन्फिनिटी कॉमन ले लिया 1 − 1/4, इधर बचा 1 × 1, 1 + 3 − 1, 2 × 1/4, 7 − 3 × 15 − 7, 8 × 1/64। ये समझ में आया सबको? तो 1 − 1/4, 3/4 एस इन्फिनिटी, 1, 2/4, 1/2, 4/16, 1/4, 8/64, 1/8। देखो ये जीपी बन गई।
अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। तो अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ए वन है आर वन बाय टू, वन बाय टू तो कितना हो जाएगा टू, एस इंफिनिटी टू फोर जा एट बाय थ्री, एस इंफिनिटी एट बाय थ्री। तो सुनो भाई, आर का इंटू करने का मतलब ये थोड़ी कि अपन किसी समीकरण में दोनों पक्षों में सेम संख्या का गुणा नहीं कर सकते, कि एजीपी होगा तो ही हम किसी संख्या का गुणा कर पाएंगे। भाई एजीपी हो तब तो प्रोसेस है ही कि सार्वानुपात का गुणा कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो सॉल्व हो जाता है जब, लेकिन एपी नहीं है, लेकिन एपी नहीं थी पर जीपी तो इन्वॉल्व थी, तो जीपी एजीपी नहीं है एग्जैक्टली पर जीपी तो है ही ना उसमें, तो जीपी के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करने में मैथमेटिकली क्या इनवैलिड है, वैलिड तो है ना वो, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या का गुणा कर सकते हैं ना, तो बस फिर क्या प्रॉब्लम, हमने गुणा किया और वो सॉल्व हो गया, योग निकाल पाए हम, ठीक है। तो जीपी जरूरी है। निधि मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है, सबसे कम्युनिकेशन हो रहा है बराबर, आप अपने तरफ से नेट चेक करो बेटा, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी वॉइस में। ठीक है निधि, आ रही क्या अब आ रही क्या आवाज? बाकी लोग और लोग बताएं बेटा, चैट में लिख के बताएं आवाज आ रही है आपको, नयन उदय सबको आ रही बेटा? निधि यस सर आ रही है, यश को उमा को सभी को आवाज आ रही बेटा? निधि सभी को मेरी आवाज आ रही है, लेकिन निधि को आवाज ही नहीं आ रही तो कैसे सुन पाएंगी? चलिए बेटा, कंसेप्ट समझ में आया क्या एजीपी का? अब निधि को मैं मैसेज लिखता हूँ कि आवाज नहीं आ रही है निधि को, सभी को चेक चलो निधि मीटिंग में ही नहीं है। चलो बच्चों, बाकी सब लोगों का कंप्लीट हो गया? निधि आ रही है अब आवाज? ओके है ना बेटा, योर साइड से प्रॉब्लम थी, बाकी सभी लोगों को आ रही है यहाँ पर। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं।
एजीपी समझ में आ गया, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, उसके एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, उसके अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं। निधि क्या रिपीट करना है बेटा, इसमें तो कुछ रिपीट किए ही नहीं, मतलब ऐसे केवल सार्वानुपात का गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। ठीक है, और तो ऑटोमेटिकली आ गया एम, फिर से ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का सूत्र लगा दिया, ये सॉल्व कर दिया, तो अनंत पदों का योग आ गया 8/3। समझ में आया सभी को? चलिए अब हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। एपी कैसे बनाए, मत बनाओ ना, वी हैव नो नीड टू फॉर्म एपी, हमें हमने बिना एपी बनाए ही निकाल लिया ना आंसर, अनंत पदों का योग उस श्रेणी का आ गया ना बिना एपी बनाए। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, मैंने ए जी पी के अनंत पदों के योग का सूत्र लगाया ही नहीं, मैंने तो इसको समीकरण एक लिखा ए जी पी को और सार्वानुपात का गुणा कर दिया, गुणा करके घटा दिया, घटाया तो ये जीपी आ गई, मेरी जीपी आ गई, तो मैंने अनंत पदों के योग का सूत्र लगा के आंसर कैलकुलेट कर लिया। भाई मेरा एम एपी बनाना थोड़ी है, मेरे मुझे तो जो श्रेणी दी है, जो भी श्रेणी दी है उसके अनंत पदों का योग ज्ञात करना मेरा उद्देश्य है, तो मैं एपी क्यों बनाऊंगा अगर बिना एपी बनाए ही उस श्रेणी के अनंत पदों का योग आ रहा है। ठीक है निधि, ओके चलिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ रहा हूं, ध्यान देंगे। किसी भी अनुक्रम के nवें पद को कैसे दर्शाते, अनुक्रम किसी अनुक्रम ऐसे दर्शाते हैं nवें पद को, अनुक्रम को ही कैसे दर्शाते हैं, अनुक्रम tn या an से दर्शाते हैं, के n पदों का योग, कोई भी अनुक्रम हो, अब वो ap gp hp agp हो ये होना जरूरी नहीं, तो अनुक्रम tn है उसके n पदों का योग, मतलब n की जगह 1 रखिया तो पहला पद 2 रखा, तो दूसरा पद 3 रखा, तो तीसरा पद n रखा, तो n वा पद, तो इन सारे पदों का क्या निकालना है आपको, योग, तो कैसे दर्शाओगे sn से, इतना समझ में आया क्या। T1, T2, T1 माने पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, TN मतलब चौथा पद, तो SN बराबर क्या हो गया N पदों का योग, सारे पदों पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद Nवे पद को लिख के जोड़ दिया। अब देखें ध्यान से, इसी को देखो ऐसा लिखें, R varies from 1 to N करके देखो, R का मान 1 रखो पहले, तो 1, फिर सिग्मा है तो 2 प्लस लगाओ, 2 रखो, फिर 3 रखो N, यही मतलब है, इस तरह से सिग्मा नोटेशन यूज कर सकते हैं। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n varies from 1 to n tn, n का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, है ना, n में आखिरी में n रख दिया, एक ही बात है। और फाइनली अगर हम सिग्मा पे ये नहीं लिखें कहां से कहां तक जा रहे हैं सिग्मा tn, तो ये इस तरह से दर्शाते हैं sn equal to सिग्मा tn, और अंडरस्टूड है कि सिग्मा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है 1 से लेकर n तक, तो किसी भी अनुक्रम के n पदों का योग sn बराबर सिग्मा tn से दर्शाया जाता है। सिग्मा tn का मतलब है, सिग्मा tn का मतलब है, सिग्मा tn का मतलब है n का मान 1 से लेकर n तक वेरी हो रहा है, है ना, ये sn इक्वल टू सिग्मा tn में अंडरस्टूड है, समीशन लगा है तो उसमें समीशन में n का मान 1 से लेकर n तक जा रहा है। समझ में आई क्या बात ये सभी को, तो अब बस यहाँ ये रही कि किसी भी अनुक्रम का अगर हमें एनवा पद में पता चल जाए तो हम सिग्मा के में tn लिख देंगे, तो अब हमें कुछ स्टैंडर्ड सिग्मा नोटेशन पता होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो हम सिग्मा 1 की बात करें, व्हाट इज सिग्मा 1, सिग्मा 1 का क्या मतलब है,
पहला पद भी बन, दूसरा पद भी बन, तीसरा पद भी बन, एनवा पद भी बन। समझ में आ गया क्या? तो सिग्मा वन का क्या मतलब होगा? एन पद वन 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 एन बार जोड़ेंगे तो एन आएगा। ये बात समझ में आई क्या सबको? सिग्मा वन मतलब एन। पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखना, सिग्मा एन का मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री है ना, जो सिग्मा एन है ना उसका मतलब ये है एक्चुअली, पूरा मतलब आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन। आर आर का मान वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, एन रखा, ये तो आपको आता है। क्या आएगा? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? ये समांतर श्रेणी है, एन एन प्लस वन बाय टू। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। बात समझ में आ गई? को कैसे दर्शाते हैं? सिग्मा एन से। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन बाय टू। कैसे आया ये फॉर्मूला? समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का सूत्र लगा दिया, एन बाय टू ए प्लस एल। समझ में आ गई क्या बात सभी को? ठीक है, नोट कर लिया है सभी ने? ये दोनों पॉइंट समझ में आए क्या? ठीक है, अब हमें प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, मतलब वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वायर। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उसको सिग्मा एन स्क्वायर से दर्शाते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हम प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जिसको हम सिग्मा एन क्यूब बोलेंगे, तो वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, अप टू एन क्यूब लिखेंगे। तो वो फॉर्मूला लिखना है ना, वो फॉर्मूले लिखेंगे, फिर हम कोई भी अनुक्रम देंगे और उसके एन पदों के योग, एन पदों का योग निकालेंगे इन फॉर्मूलों की मदद से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।